हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वेल्की नेशनल स्कूल वसई ईस्ट। दिस इज फ्रॉम मिसेस ज्योति कुलकर्णी, युअर सब्जेक्ट टीचर ऑफ मराठी। मुलांनो, आज मी तुम्हाला इयत्ता सातवीची संतवाणी पाठ 14 संतवाणी शिकवणार आहे। मुलांनो, संतवाणी म्हणजे काय? वाणी म्हणजे शब्द आणि संत म्हणजे जे देवाच्या बरोबर सारखे सहवासात असतात त्यांना संत म्हणतात। जसे की आपल्या महाराष्ट्रात भरपूर संत होऊन गेले, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत जनाबाई, असे खूपसे संत कबीरदास, असे भरपूर संत होऊन गेले। तर ही संतवाणी काय सांगते हे आपल्याला कविता, प्रार्थना, भाव ह्या ह्याच्यातून सांगता येतात। पक्षी जाळे दिगंतरा, बाळकासी आणि चारा, घार हिंडते आकाशी, झाप झाली पिल्लापाशी, माता गुंतली कामासी, चित्त तिचे बाळापाशी, वानर हिंडे झाडावरी, पिले बांधुनी उदरी, तैसी अम्मासी विठ्ठल माय, जनी वेळोवेळा पाहे। पक्षी जाळे दिगंतरा, बाळकासी आणि चारा। दिगंतर यानी पंछी ऊपर ऊपर जाते हैं और अपने बच्चों के लिए घास या खाना लाते हैं। ईगल, घार यानी ईगल, वो पूरा ऊपर ऊपर जाती है। आकाश यानी अंबर, नब, मेघ आसमान की तरफ जाती है, लेकिन वो बीच बीच में अपने बच्चों के पास आती है। माता गुंतली कामासी, चित्त तिचे बाळापाशी, यानी मम्मी काम पे बिजी है लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने बच्चों के पास ही रहता है। वानर हिंडे झाड़ावरी, पिले बांधुनी, वानर यानी मंकी, यानी वो पेड़ पे रहता है लेकिन उदरी यानी अपने पेट को बच्चा बांध के ही इधर उधर जाता है ना। तसे आम्ही विठ्ठल माय, जनी वेळा वेळी पाही, ऐसे ही विठ्ठल हम आपके बच्चे हैं तो हमारे ऊपर तुम ही ध्यान दो, ऐसे भगवान को वो बोलते हैं। ये संतवाणी लिखी थी संत जनाबाई ने लिखी थी। यानी जैसे एक माँ अपने बच्चों के प्रति प्यार करती है और बच्चा माँ की राह देखता है, वैसे हम लोग भी आपकी राह देख रहे हैं, आपको मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो गए हैं, ऐसे ये बोलते हैं। इथे त्याचा भावार्थ पण दिलेला आहे। मराठी संत कवयित्री वात्सल्य हा जनाबाईच्या भक्तीचा अनन्य साधारण विषय आहे। आपल्या उत्कट भक्तिभाव व्यक्त करणाऱ्या पद्धतीतून त्यांनी सुंदर अभंगात्मक काव्य निर्मिती, प्रस्तुत अभंगातून आपल्या बाळावरील आईच्या प्रेमाचे उदाहरण दिलून संत जनाबाई म्हणतात की आमची विठ्ठल माय आम्हाला तशीच सांभाळत असते। यानी जो भगवान आहे वो हमारी माँ की तरह है और वो हमें संभल रहा है, ऐसे वो बोलती है। अभी दूसरा अभंग है बच्चों, संत तुकारामाने लिखा है। ऐसे कैसे झाले बोंधू, कर्म करोनी म्हणती साधू, अंगी लावू निया राख, डोळे झाकूनी करती पाप। यानी ऐसे कैसे बंधू, यानी कर्म देखो उनके अच्छे नहीं है और बोल रहे कि मैं साधु हूँ, तो ये ऐसे कैसे हो जाते हैं? जो भगवान के नामस्मरण करते हैं वही साधु बनते हैं। अंगी लावू निया राख, डोळे झाकती करती पाप। यानी ऐसे भस्म लगा के ऐसे करते हैं और साधु साधु बोलते हैं और अंदर पाप भरा रहता है और दूसरों के साथ भी व्यवहार उनका अच्छा नहीं रहता। दाऊनिया वैराग्याची कळा, भोगी विषयांचा सोहळा, तुका म्हणे सांगो किती, जळो तयांसी संगती। दाऊनी वैराग्याची कळा, भोगी विषयांचा सोहळा। यानी ऐसे दिखा रहा है कि मैं वैरागी हूँ, मैं पूरा घरदार छोड़ के आया हूँ, लेकिन भोगी विषयाचा सोहळा, लेकिन उनको खाना अच्छा चाहिए, पहनना अच्छा चाहिए, तो ऐसे बोंधू साधु कभी बनते नहीं है। तो तुका म्हणे म्हणो संगी, तुका म्हणे सांगो किती, जळो तयाची संगती। यानी वो बोल रहे ऐसी संगत नहीं चाहिए कि जो भोंदू बाबा है, अगर सचमुच साधु है वो भगवान की तपश्चर्या, भगवान से विलीन होके वो उधर ही जाते हैं और वो घर दार छोड़ के हमेशा वो साधु की तरह रहते हैं, ये ढोंगी साधु रहते नहीं, ऐसे संत तुकाराम महाराज बोलते। तो ये संतवाणी थी बच्चों, जो थोड़ी सी छोटी है बट इसमें मीनिंग बहुत दिया गया है। जो भगवान के प्रति भाव है वो व्यक्त किया गया है, भगवान को अपनी माँ ही कह के तू हमें संभाल, और वैसे ही भगवान संभालता है, ऐसे संत जनाबाई बोलती है और संत तुकाराम बोलते हैं।
कि अगर आपको सही में साधु पुरुष बनना है तो सबका त्याग करके छोड़ो, खाली भस्म लगाने से साधु नहीं होता है, ऐसे उन्होंने बोला है। धन्यवाद।